हेलो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो भाई बात करेंगे आज अपनी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बारे में, जिसमें हमारा टर्बो इंजन मिल जाता है। देखने भाई, इसमें आपको वेरिएंट काफ़ी मिल जाते हैं। इसमें हमारा नेचुरल स्पीडिट इंजन भी आता है, ये हमारा टर्बो इंजन के साथ में मिलेगा, जो आपको 998 cc 3 सिलेंडर के साथ में आता है। ये देखने लिए भाई गाड़ी देखो, फ्रोंक्स में कंपनी ने निकाला है। पहले मध्य टाइम में निकाला था, शायद एस्क्रॉस में निकाला था अपना टर्बो इंजन। तो भाई वो चली नहीं थी, पिट गई थी, वो गाड़ी बंद हो गई थी, डिसकंटिन्यू। इसलिए कंपनी ने अपना फ्रोंक्स में भाई पेट्रोल भी निकाला, नेचुरल स्पीडिट भी निकाला। और दूसरी भाई इसमें आपको टर्बो इंजन मिलता है देखने नहीं, उसी के साथ में स्मार्ट हाइब्रिड भी मिल जाता है देखने नहीं। यानी टर्बो इंजन माइलेज वैसे ही बढ़ जाएगा ज्यादा, उसी के साथ में स्मार्ट हाइब्रिड है तो और भी ज्यादा माइलेज मिल जाएगा भाई। बल्ले बल्ले होने वाली है जो भाई इसको लेगा। उसी के साथ में भाई सबसे पहले इसके प्राइस की मैं बात करता हूँ। इस टाइम हम खड़े अपने मारुति सुजुकी नेक्सा के अंदर, जो मुरादाबाद में पड़ जाता है दिल्ली रोड पे, जो इसका प्राइस निकल जाता है एक शोरूम 10,55,000 का। भाई एक शोरूम तो हर जगह का सेम रहता, कहीं से भी आप गाड़ी परचेस कर लो हर जगह आपको सेम देखने नहीं मिलता। बट ऑन रोड में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जो ऑन रोड पड़ता है वो पड़ जाता है हमें 12,15,000 का। हमें ऑन रोड इसका देखने लिए हमें मिल जाएगा यहाँ से। बाकी और भी जो भी डीलरशिप के थ्रू आपको डिस्काउंट वगैरह मिले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे। भाई रियल लाइट कुछ हमें ऐसी देखने लिए मिल जाती है, इसमें आपको पूरा LED बेस्ड मिलेगा, कोई भी हेलोजन बेस्ड कंपनी ने कहीं से कहीं तक इसमें नहीं छोड़ा। भाई चार पार्किंग सेंसर देखने लिए मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 रिफ्लेक्टर कुछ ऐसे। स्क्रिप्ट प्लेट भाई कुछ इतनी मिल जाती है फ्रोंक्स के अंदर, क्योंकि मारुति सा खुद अपनी एक SUV कहता है। मैं बात करूँ भाई इसके, लोग आप देखो एक SUV है। बलिनो की बात करें वो हमारी एक हैचबैक मिल जाती है नॉर्मल सी देखने के लिए। एंटीना जो आएगा भाई सार्फिन एंटीना इसमें देखने नहीं मिलेगा। रियल में स्पॉइलर के ऊपर आपको हाई स्पीड माउंट मिल जाएगा देखने लिए। यहाँ पर आपको डिफोगर मिलता है, कोई भी वाइपर वगैरह नहीं मिलता देखने लिए, क्योंकि SUV है। वेलिनो भाई देखो कितनी नीची सी लग रही है, इसके सामने वो टीसा देखो तो भाई काफी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी सी फील होती है। भाई जो कलर है सिल्वर टाइप का कलर है, इतना प्रीमियम से कलर के साथ में आई जाती है। और जेटा के अंदर भाई आपको इसमें मिल जाते हैं अलाउ व्हील देखने के लिए, जिसकी प्रोफाइल रहती है 16 इंचेस की, 195/60R 16 इंच का मिलता है। सिंगल टोन में मिलेगा, कोई भी डुअल टोन वगैरह नहीं आएगा, ना ही डायमंड कट आएगा। डायमंड कट ऐसा होता है, अगर किसी भाई को नहीं पता हो मैंने आपको दिखा दिया है, डायमंड कट है ये हमारा नॉर्मल है। गुडियर का इसमें टायर है भाई, पूरी गाड़ी पे क्लेडिंग भरी भरी लगी है देखो, फ्लोंग्स पे पूरी पे क्लेडिंग है, बलिनो पे कुछ नहीं है। इसलिए मारुति से खुद एक अपनी SUV कहता है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसका देख लो, इसका देख लो, थोड़ी नीचे टाइप में थोड़ी ऊंची टाइप में। भाई लुक जो है गाड़ियों के इतने प्रीमियम से आप देखो, दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लो तो कंपनी ने बहुत अच्छा डिसीजन अपना लिया। रूफ रेल्स हमें देखने नहीं मिल जाती क्योंकि हमारी SUV है, हैचबैक है, नहीं मिलेंगी देखने के लिए। बढ़ता हूँ भाई गाड़ी के अंदर से, जैसे मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, सबसे पहले इसके डोर की अगर मैं बात करूँ, जैसा हमें इसमें डोर मिल जाता है जेटा के अंदर देखने के लिए, इसमें आपको 998 cc 3 सिलेंडर 98 BHP 147 Nm के टोर्क वाला इंजन मिलता है ये देखने के लिए। पूरा सॉफ्ट टच का मटेरियल है, विंडो का अप डाउन मिलता है, स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर वगैरह नहीं है, स्पीकर है, बोतल होल्डर यहाँ पे, लॉक अनलॉक पूरा रब ब्लैक है, कोई भी ऐसा नहीं है। सीट जो भाई आपको डुअल कलर में मिल जाएगी, ब्राउन के साथ में ब्लैक के साथ में, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। जैसे मैं गाड़ी में भाई प्रवेश करता हूँ, आई मीन बैठता हूँ, AC वेंट नहीं आएंगे, बट थोड़ा स्पेस यहाँ जरूर मिल जाता है जेटा के अंदर। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ देखने के लिए मिलता है। भाई जो सीट की क्वालिटी है, फाइबर में सीट है भाई, कंफर्टेबली फील कर पा रहा हूँ। 60-40 सीट आपको इसमें देखने के लिए जरूर से मिल जाती है। इसको आप अपने हिसाब से झुका सकते हैं, कम ज्यादा भी करनी हो। एडजस्टेबल हेड रेस्ट क्योंकि ये तो कंपलसरी बेस वेरियंट से हो जाता। और एयर बैग जो रहेंगे भाई, वही जेटा के अंदर दो ही मिलते हैं, ड्राइवर साइड वो पैसेंजर साइड। वेलिनो में 6 आ जाते हैं टॉप वेरियंट अल्फा के अंदर। रूफ में भाई आपको यहाँ पे येलो LED के साथ में आती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ये है, वो भी आपको येलो LED है। ग्रिप हैंडल कुछ ऐसे मिलते हैं देखने के लिए। बाकी पूरा डोर वगैरह आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड तो है ही भाई। चलो एक बार डैशबोर्ड और दिखाता हूँ मैं गाड़ी में। लेकिन भाई टर्बो इंजन है 3 सिलेंडर, भाई काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। यहाँ पे कोई भी क्रोम की बिडिंग वगैरह आप लगवा सकते हैं, जैसे हमारी इस पर लगी हुई है, वो आपको एसेसरीज डीलर थ्रू ही मिल पाएगी, जो भी आप चाहो। यहाँ पे सुजुकी का लोगो भाई, स्मार्ट हाइब्रिड। अब मैं बूट दिखाऊँ भाई, देखो जगह सी ये है, यहाँ से आप इसका बूट खोलो, पार्सल ट्रे देखने लिए मिल जाएगी हमें कुछ इतनी। भाई बूट स्पेस जो आता है 310 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वेलिनो के अंदर मिलता है 318 लीटर, इसमें 310 मिल जाता है, कोई बात नहीं, चलता है 8 लीटर का कुछ नहीं हो रहा। जो भाई स्पेयर व्हील की प्रोफाइल रहेगी मैं आपको बताऊं, वेलिनो के अंदर मिल जाता है 16 इंचेस का, सेम है गुडियर का टायर है भाई। कोई भी इसमें कॉस्ट कटिंग मारुति ने नहीं करी है। हर कंपनी को देखो भाई, अगर बात करो कोई सी भी बुराई क्या करना है, जो कंपनी है वो चीज़ है भाई। इसमें थोड़ा कंपनी कर देती है कंजूसी, अगर वो 16 का आता 14 का देती है, इसमें ये भी 16 वो भी 16। भाई जो रियर से पूरी कनेक्टिंग रियर लाइट कुछ हमें ऐसी देखने नहीं मिली जाती है, इसमें स्मोक ब्लैक के साथ में आती है, वेलिनो में नॉर्मल सी हमें मिलती है। बट इसके अंदर फ्रोंक्स के अंदर कंपनी पूरी कनेक्टिंग रियर लाइट देती है, सुजुकी का लोगो तो मिलता ही, डिफोगर की फिट एंड फिनिश ठीक है। फ्रंट से भाई जो लुक निकल आते हैं, क्रेडिंग तो पूरी गाड़ी पर मिली जाती है, साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों मिलेंगे, 360 कैमरा वगैरह नहीं आता। जो भाई फ्रंट से प्रोफाइल निकलती है कुछ हमें ऐसी मिल जाती है, जो भाई इसमें जैसे हमारा जेटा तो ये टॉप वेरिएंट में गिनती हो रही है, तो इसमें आपको पूरे 3 यूनिट में हेडलाइट मिलती है। जो बेस वेरिएंट आता है उसमें आपको सिंगल यूनिट के साथ में मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी इसमें DRL देखने के लिए मिल जाती है, थोड़े चकोट टाइप में, बाकी नॉर्मल सी हमारी जो आती है लंबी टाइप में आती है, इसमें थोड़ी चकोट टाइप में काफी प्रीमियम लगता है। इंडिकेटर जो है वो आपको इसी के अंदर काम करेगा, इंडिकेटर भी DRL दोनों काम इसी के अंदर मिलते हैं। ग्रिल थोड़ा सा इतना पार्ट मिल जाता है, बाकी रब ब्लैक के साथ में इसमें ग्रिल मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, कोई भी पियानो ब्लैक वगैरह नहीं है, वो हमें टॉप वेरिएंट अल्फा के अंदर देखने के लिए मिल जाती है।
स्क्रिप्ट प्लेट कुछ ऐसी मिल जाती है, स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट है बम्पर पे फ्रंट में, क्योंकि एक एसयूवी है तो काफी लोग फ्रंट से काफी बढ़िया इसके लुक कर दिए गए हैं। अब चलता हूँ भाई गाड़ी के जैसे अंदर लेके, मैं सबसे पहले इधर से चलते हैं, प्रवेश करते हैं फिर से, उधर आपको बाद में लेके जाएंगे। सबसे पहले भाई इसके डोर की इधर की बात कर लेता हूँ, जिसमें आपको विंडो का अप डाउन मिल जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच का मटेरियल है, डुअल टोन में मिलेगा ब्राउन के साथ में और ब्लैक के साथ में, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, थोड़ा स्पेस आप यहाँ पे कुछ भी अपना रख सकते हैं। जो भाई इसमें रहेगा ग्लव बॉक्स इतना मारुति ऑफर कर देती है, यहाँ पे इसमें डुअल टोन में मिल जाता है, ग्रे का काम इसमें यहाँ मिलता ही है, और वही नॉर्मल सा हमें 8 इंच का मिल जाता है, 6 इंच का हमें नॉर्मल सा मिल जाता है, 5 मैनुअल ट्रांसमिशन तो है। एक बार अब उधर से दिखाता हूँ पूरी गाड़ी में, उधर से समझाता हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें देखने मिलता है। चलते हैं भाई जैसी गाड़ी जल्दी से जल्दी परचेस कर लो भाई, क्योंकि टर्बो इंजन है, फिर अगर डिस्काउंट वगैरह चाहिए हो भाई ये चीज़ नोटिस है। इधर से कुछ नहीं लगता बट बाहर से थोड़ा सा गंदा लगने लगता है, जैसा हमारा एक्सयूवी के अंदर आया था 5700 के अंदर। भाई जो पूरा डैशबोर्ड है कुछ ऐसा हमारा निकल कर आ जाता है वेलिनो के अंदर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग पे आपको सुजुका का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आप फोन वगैरह उठा सकते हैं इसका। दो एयरबैग मैंने आपको बता ही दिया इसमें ड्राइवर साइड को, पैसेंजर साइड भाई मीटर में आप देख लो स्मार्ट हाइब्रिड 220 स्पीड 8000 इसका RPM मिल जाता है। टिल्क है, टेलीस्कोप वगैरह नहीं है, ओनली ऑन भाई टिल्क मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है भाई, सेम जो है वेलिनो के फीचर्स इसके अंदर डालेंगे, वेलिनो के देख लो इसके देख लो भाई सेम फीचर्स मिलते हैं, बट जो है कंपनी ने एक नाम रुतबा बड़ा कर दिया कि एक एसयूवी वो एक हैचबैक, कंपनी का भाई अलग ही वो रहता है लेवल, पता नहीं किस टाइप से मारुति ने चीज करी है भाई। यहाँ पे ऑटो डिविंग तो है ही कुछ नहीं है, मिरर है यहाँ पे आपको येलो LED के साथ में मिलता है ये देखने लिए, यहाँ पे USB का पोर्ट है क्योंकि आपको वायरलेसली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में, दोनों ही इसके अंदर आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्डेबल चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक, ये पूरा भाई डुअल टोन में काफी प्रीमियम लुक के साथ में लग रहा है। पेडल वगैरह आप देख सकते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच वगैरह, बाकी डी कट में स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे कोई भी इसमें पियानो ब्लैक का काम नहीं है, पूरा आपको रब ब्लैक का काम मिलेगा, इधर कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता भाई। टर्बो इंजन है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इंजन के मुकाबले काफी अच्छा, देखते हैं फिर कितना प्यार इसको मिलता है भाई गाड़ी पे, बेटिंग इतनी ज्यादा है क्योंकि जब से आई है भाई गाड़ी अलग ही डिमांड में अपनी रह रही है भाई। कुछ यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।